फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का 5 कुछ हुआ है, प्रॉपर टाइम तो मैं नहीं देखी हूँ। मैं तो उठ चुकी हूँ, उठ के यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। तो इतना ज़्यादा ठंड है बाहर कि नहीं पी आ गया ठंडा पानी। और मेरे साथ साथ ना यहाँ पर आद्या भी उठ चुकी है, वो उठकर ऐसे ही सोई हुई है, मुझे बुला रही थी, मामा आए ना बोल रही थी। पर मेरी बड़ी बेटी अभी भी सो रही है, माँ पूजा कर रही हैं। और जो भाभी माँ को हेल्प करने आती हैं वो भाभी भी आ चुकी हैं। पापा बस अच्छा पापा बगान गए हैं फूल लाने के लिए, भाई सो रहा है। बस सबका अपडेट दे दी, अब मैं बताती हूँ हम लोग जाएंगे पिकनिक, इसीलिए हम लोग इतना जल्दी जल्दी सबको ही तैयार हो रहे हैं। तो बस इसीलिए मैं आई भी हूँ यहाँ पर। देखिए उसको कितना ज़्यादा खांसी हो रहा है। पोड़ी जीबू इस साइड को जानी, पोड़ी जीबू, पोड़ी जीबू मुंडो रो कि ना कर, हाँ घुड़ी थी वो, सब बात समझती। मैं उसको बोली जाके पिलो में सिर रख के सो जाओ, कितना अच्छे से जाके वहाँ पर देखे पिलो में सो गई और ओढ़ाड़ के सो गई। कौन गलू गलू कौन गला मामा टा कौन गला कौन गला ईटा मधोनोटा ईटा मधोनोटा कड़े गला कड़े गला कड़े गला मो छोना मामा कुआड़े गला नोनो बच्ची कौन गला ओजा पाकू गला बोधे ईटा रेडी हो गए हैं, चलिए आ जाओ, आओ देखते हैं सब कोई क्या कर रहा है, आ जाओ देखेंगे ना। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस डे टुडे, वी आर गोइंग टू विजिट दीघा, वाह इज माय फैमिली, वाह हैप्पीली, ओके आई एम वेरी एक्साइटेड, वाह मामू मामू फर्स्ट टाइम पिकनिक जा रही है आद्या, टाटा करो सबको, टाटा करो इधर करो, टाटा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पिकनिक, निकल गए हैं खुशी। अच्छा पूरा ये क्या डिस्को, निकलते निकलते हम लोग का 7:30 बज गया है और दीदी बेचारी बहुत परेशान हो रही है क्योंकि वो इतना भोर को उठ कर ना बहुत कुछ रेडी करके रखी है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हम लोग अभी आके दीदी घर में पहुंच गए हैं, बस यहाँ रुकेंगे नहीं, मैं थोड़ा बुला के लेके आती हूँ फिर निकलेंगे। था कि गुस्सा हो गई होगी, सुबह से बेचारे परेशान है और मेरे जीजा जी का तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मेरे खुशी के लिए जा रहे हैं, मतलब मुझे लेकर जा रहे हैं पिकनिक। नाना नाना अच्छी नाना सब लेके जा रहे हैं गाड़ी की ओर, हम लोग थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करने के लिए रुके हैं यहाँ पर, पहले चाय पिए भाई की अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे बीच रास्ते में, उसका डिक्की खुशबू से एकदम खुशबूदार हो गया है। दे मुझे ये चीज दे मामा, ओ चलो बस बस मारी दो प्लेट देखा हो, ये तो पूरा बदमाशी कर रही है और हाथों धोता भाई इधर हाथों धोता गाड़ी उसकी पड़ी इस साइड को, और मेरी दीदी को देखिए क्या कर रही है, एकदम मुढ़ी को लेके बिजी है। मुढ़ी आलू दम मिक्सचर हरा मिर्चा, हरा मिर्चा पापा के लिए रोटी भी लेके आई है, पनीर की सब्जी, मम मामा रो मम असला। हम लोग अभी लगभग लगभग पहुंचने ही वाले हैं, बस 2-2.5 किलोमीटर का दूरी में ही हैं
और जाके अभी जान में जान आई क्योंकि बैठे बैठे तब से बोर भी हो गए। बस यहाँ पर ये हुआ कि बच्चे वहाँ पर चल गए हैं पापा और जिया जी के पास और मेरी दीदी को हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं। आद्या सो भी गई बैठे बैठे, उसको इतना आदत नहीं है लंबा जर्नी करने का क्योंकि मैं गाड़ी में इसी के लिए ही बस इतना लंबा जर्नी नहीं करती हूँ। तो चलिए फाइनली मैं दीघा का टूर कराऊंगी आप लोग को। उदयपुर हम लोग पहुँच गए हैं, ये तो मैं पहली बार आ रही हूँ तो देखते हैं। हाय फाइनली आके हम लोग दीघा में पहुंच गए हैं। अब करेंगे बाकी का घूमना। फिर नमस्ते आप लोग, साथ में बने रहिए। दिखा दी आप लोगों को मिनी पूरी। उसका मामू को लग गया कि इसको धूप लग रहा है तो टोपी चाहिए ना। वाह वाह कर दिया बेटा, वाह वाह। मामा को दियो ये ला। মানে অর্ডার দিলে বানাবে। ড্রেস কেচড়া কত দেবো দেলা না তাও চেয়ারে বস। নোনা কি খাওছেন বেটা? নোনা নোনা কাই গুড়ু নোনা কাই গুড়ু বাই। সি বিচ মে স্কুটি রাইডিং করনা বহুত মজা কর রহা। হ্যাঁ আগে আগে हम लोग तीन स्कूटी लिए हैं, एक में भाई और वो अपना दोनों भांजी को ले लिया है, मैं और मेरी दीदी, फिर पीछे जीजाजी और सिप। ओ यहाँ पर इतना सारा क्रेव है, देखिए जैसे ही कोई आते जाते हैं ना तो लोग तुरंत ही घुस जाते हैं। अपना बिल बना के रखे यहाँ पर पूरा, यहाँ पर थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक करेंगे ना। ये देखिए ये पूरा ये सब केकड़ा है, जैसे ही कोई नज़दीक जाएगा ना तुरंत अपना बिल में छुप जाएंगे ये लोग ना। ओ यहाँ पर एक ये देखिए इस तरह का रेड रेड केकड़ा है यहाँ पर, सब काटने से धमाकेदार काटेंगे ये लोग। इस तरह का केकड़ा पूरा ये सब केकड़ा का ही गड्ढा है। ये है दीघा का मार्केट जो कि हम लोग निकल के आ गए, मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं था जिस वजह से मैं पूरा मार्केट का वीडियो नहीं बना पाई, तो पूरा ना हम लोग को पूरी जैसा ही फील दे रहा है ये। यहाँ पर आए थे लंच करने के लिए एक्चुअली 4:30 बजे, पर यहाँ पर अभी लंच अवेलेबल नहीं है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे अभी? बाहर रखने जाएंगे। हम लोग अभी जाएंगे कहीं दूसरा जगह, थोड़ा सा खा लेंगे, फिर हम लोग दीघा बीच घूमेंगे। हम लोग एक्चुअली वो उदयपुर वाला बीच था क्योंकि वो खाली खाली रहता, इस वजह से बच्चों को लेकर वहीं पर ठीक लगा हम लोग को घूमना। और अभी हम लोग थोड़ा भीड़ भाड़ जगह में जाएंगे जहाँ पर दीघा का असली मार्केट है। ये है असली में जो दीघा का मार्केट है ना, मतलब सी बीच, ये ही है। हम लोग वहाँ खाली खाली जगह ढूंढ ढूंढ के वहीं पर गए थे और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खरीदारी करेंगे। আচ্ছা
खाने के बाद चाय पिए, फिर अभी हम लोग थोड़ा सा खरीदारी के लिए घूम रहे हैं। समुद्र देखा जाऊ ना पूरा अंधार होली। बस हो गया, दीघा से निकल रहे हैं अभी। बहुत एंजॉय किया आज दिन भर, बहुत ही मस्ती किए। बस ये दीघा का हम लोग निकल रहे हैं। ये सब लॉज है, यहाँ पर दोनों ओर पूरा भरा है। आने से कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो होल्डिंग का ही प्लानिंग करके आएंगे, जैसे कि और अच्छे से एंजॉय कर पाए और रात तक सी बीच में बैठ पाए। हम लोग का और एक गाड़ी आगे आगे जा रही है, हम लोग पीछे पीछे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट और एक ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय करो सिद्ध, बाय आद्या, बाय करो आद्या, बाय करो। दोस्तों बीच में घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं दीघा का मार्केट में, ठीक है, और जा रहे हैं अभी लंच करने। एक्चुअली लंच तो इसे कहा नहीं जाएगा, लेकिन एक कुछ ना कुछ हैवी खाना खाने के लिए, क्योंकि उतना अच्छा से खाना नहीं हो पाया। तो ये मार्केट क्रॉस करने के बाद एक अच्छा होटल है, वहाँ पे रुकते हैं और देखिए कितना अच्छा है। मतलब बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, बीच है ना, इसीलिए बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। नाइट होल्ट भी बहुत बढ़िया है।